वेलकम टू कॉमर्स पोस्ट गाइस, मेरा नाम असद अली है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप अमेजोन पे FBM कर रहे हैं या FBM करने जा रहे हैं और आपके पास थोड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है और आप इस पे अर्निंग करना चाहते हैं और इसको अपना अर्निंग का जरिया बनाना चाहते हैं, तो मैं आज आपको बेस्ट तरीका बताने जा रहा हूँ अपनी प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री को मैनेज करने का, अपनी प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक बेहतरीन और अच्छे टाइम में जल्दी से जल्दी पहुँचाने का। अगर आपके कस्टमर रिटर्न करना चाह रहे हैं आपको प्रोडक्ट, उसको मैनेज करने का, कस्टमर सर्विस देने का आपको बेस्ट तरीका और ऐसी कंपनी बताने जा रहा हूँ UAE में जिससे आप फायदा उठा सकते हैं। गाइस, आपको बहुत ज्यादा इससे फायदा होगा और आपको कभी भी इसमें कस्टमर की कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कस्टमर नाराज हो गया या उसने गलत रिव्यूज देना शुरू कर दिए, क्योंकि अगर कस्टमर को कोई प्रोडक्ट नहीं भी पसंद आती है ना, तो वो उसकी प्रोडक्ट वो टाइम पे रिटर्न होके उसको दूसरी प्रोडक्ट मिल जाती है या उसको बंदा खुश कर देता है, हैप्पी कर देता है कि भाई हमसे गलती हुई या हमने गलत प्रोडक्ट आपको डिलीवर की या आपको पसंद नहीं आई तो हम आपको दूसरी प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, तो अप्रिशिएट करना चाहिए कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर ही हमारे लिए सब कुछ होता है, हम उसी के जरिए ही कमाते हैं, तो कस्टमर को अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको खुश रखना चाहिए। तो उसके लिए हमें ऐसी एक कंपनी की जरूरत होती है जिससे हमें हर तरीके का फायदा मिले। जैसा कि अभी हमें अगर किसी कस्टमर ने हमें तो अपने वेयर हाउस में प्रोडक्ट रखे हुए हैं या हमने छोटा सा स्टोर रखा हुआ है अपने रूम में ही या घर में ही हमने बनाया हुआ है इधर UAE में, तो हमने सिर्फ क्या करना होता है कि हमने जस्ट बताना होता है उस कंपनी को कि आप आ जाएं, हमारी प्रोडक्ट्स को आके ले जाएं। तो उसके लिए आज मैं बताऊंगा आपको, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो किसी भी कैटेगरी में, कोई भी कैटेगरी है, चाहे आप वॉशिंग मशीन में चले जाओ, LEDs में चले जाओ, किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी में चले जाओ, वो आपकी प्रोडक्ट को उठा के कस्टमर तक बहुत ध्यान से, प्यार के साथ और अच्छी सर्विस दे के कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ सेल किया, जैसा कि ये प्रोडक्ट आपने सेल की, ठीक है, ये प्रोडक्ट आपने सेल की और अब आपको इसका ऑर्डर रिसीव हो गया, ठीक है, आपको इसका ऑर्डर रिसीव हो गया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब आपने इस प्रोडक्ट को कस्टमर तक आपने पहुंचाना है। अब आपको इसमें पैकेजिंग की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, पैकेजिंग ऑलरेडी इस कंपनी के पास होगी या आप इनको दे सकते हो, या आप अमेजोन की पैकेजिंग जो है वो लेके आप इनको प्रोवाइड करवा सकते हो, अदरवाइज ये प्रोडक्ट जो है उसी पैकेजिंग में खुद ही डाल के कस्टमर तक पहुंचा देते हैं, अपनी पैकेजिंग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इनके साथ आपका जो है एग्रीमेंट होता है कि आपने अमेजोन की प्रोडक्ट्स इनको पहुंचानी होती है। तो आपने आपको मैं वेबसाइट का नाम बताने जा रहा हूँ, उस वेबसाइट का नाम है iMile Delivery, ठीक है, आप इनके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप इनके ऑफिस में भी जा सकते हैं और इनके ऑफिस में जाके आप इनसे बात कर सकते हैं, और मैंने अच्छा और बेस्ट एक्सपीरियंस यहाँ से लिया है तो मैं आपको इसका रिकमेंड कर रहा हूँ। ये कोई भी मुझे इन्होंने पे नहीं किया कुछ इनकी एडवर्टाइजमेंट के लिए, मैं खुद से आपको बता रहा हूँ कि ये एक बेस्ट जो है डिलीवरी सर्विसेज है इन UAE, आप इनसे रابطہ करें, आपके प्रोडक्ट जो है इसमें ट्रैकिंग का भी ऑप्शन देंगे आपको ये, ठीक है, और अच्छी अच्छी सर्विसेज भी आपको देते हैं, लॉजिस्टिक की भी, चाइना से भी अगर आपने कुछ मंगवाना है तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये आपके प्रोडक्ट चाइना से रिसीव करके यहाँ पे अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचा देंगे। तो गाइज इतनी अच्छी सर्विस वाली कंपनी है ये, आपने इनके साथ राबता करना है और राबता करके ये देखें, अब अगर कोई कस्टमर ने आपसे कोई चीज बाय की है उसके पास ट्रैकिंग नंबर चला जाता है इनका, तो आप यहाँ पे आके इसको ट्रैक भी कर सकते हो, प्रोडक्ट को कस्टमर ट्रैक भी कर सकता है, कस्टमर को चाहिए होती है जल्दी जल्दी प्रोडक्ट, तो वो अपनी प्रोडक्ट को देखते रहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट कहाँ पहुंची, कब तक हमें मिल जाएगी, इस तरह की बात होती है, तो ये वाले कभी भी आपको परेशान नहीं होने देंगे, ठीक है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाइक के बटन को दबा दें ताकि आपका भाई आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहे और आप लोगों का फायदा होता रहे और आप अच्छी अर्निंग कर सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।